नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के फिर एक नए अपडेट में। और बहुत सारे VLE ऐसे हैं जो UCL का वर्क कर रहे हैं और उनका जो है दोस्तों एक दो दिन से सर्वर या दोस्तों सॉफ्टवेयर की कमी से वर्क नहीं हो रहा है। और बहुत सारे VLE भाइयों ने अपना जो सॉफ्टवेयर है वर्जन है उसको दोस्तों अपडेट कर लिया है, लेकिन अपडेट करने के बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अभी जिन भाइयों ने अपना वर्जन अपडेट नहीं किया है तो वो अभी अपडेट ना करें, क्योंकि पुराने वाले वर्जन पर ही जिसका दोस्तों 1.8.4.3 वाला सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क चल रहा है, लेकिन 1.8.8.1 पे अभी वर्क नहीं चल रहा है। जैसे ही आप डाटा फाइंड कर रहे हैं तो डाटा जो है ब्लैंक दिखा रहा है। तो अभी हम पुराने वाले वर्जन से ही आपको ये लाइव ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। टाइमिंग भी 2:25 हो चुकी हैं। अभी हम यहाँ पर कस्टमर का कैप्चा लगाएंगे और कैप्चा लगाने के बाद मैं दोस्तों लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे VLE ऐसे हैं कि वो वर्जन को नए वाले में अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारों ने दोस्तों उसका ड्राइवर चेंज भी कर लिया है। तो अभी मैं पुराने वाले वर्जन पर ही काम करके दिखाने वाला हूँ कि आधार फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि समय ऐसा नहीं कि वर्जन पुराना वाला काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये लाइव प्रोसेस है और मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8.4.3 दोस्तों ये वर्जन है। आप इसको दोस्तों कुछ भी देख सकते हैं, जो इसमें डाटा है वो शो हो रहा है। और आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रक्रिया भी आगे जा रही है। सेकेंड जो फिंगर है वो भी दोस्तों कैप्चे के साथ दोस्तों वेरीफाई तुरंत हो रहा है। और बहुत सारे VLE कह रहे हैं सर बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को ये सर्विस जो है आपको कैसे दोस्तों स्पीड के साथ करनी है। तो अभी मैं आपको यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और मिनिमाइज़ करने के बाद हम दोस्तों आपको लेकर चलते हैं इसकी सेटिंग में। दोस्तों जो सेटिंग सर्विस की है, आप इस पर सर्विस वाले ऑप्शन पर जाइए और सर्विस वाले ऑप्शन पर जाकर जो सर्विस आधार की यहाँ पर इंस्टॉल दिखाई दे रही हैं इन सभी को आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद जैसे कि आधार कैमरा स्टॉप करना है, आधार इग्नोलमेंट सर्विस, आधार मल्टी प्लेटफार्म और दोस्तों आधार QSTV सर्विस, ये चारों दोस्तों आपको स्टॉप करनी है। स्टॉप करने के बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही आपका दोस्तों लैपटॉप ओपन हो जाता है तो फिर से आप लोगों को ये सर्विस से दोस्तों अपनी चालू कर देनी है। रीस्टार्ट करके यहाँ पर चारों सर्विसों को, और फिर आप अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। और जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा स्पीड देना शुरू कर देगा, जिससे कि आप दोस्तों काम कर पाएंगे। ये मैंने लाइव आपको इसलिए दिखाया कि काफ़ी VLE दोस्तों परेशान है। आप लोग अभी 1.8.8.1 पर दोस्तों उसके ड्राइवर को अभी डाउनलोड ना करें, अपडेट ना करें। और जिनका हो चुका है उनको सभी को पता है कि और जो भी डाटा वो फाइंड कर रहे हैं वो ब्लैंक दिखा रहा है। एक छोटा सा अपडेट था। और जैसे दोस्तों UDI की तरफ से उस सॉफ्टवेयर के लिए बोला जाए तभी आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पहली बात तो ऑटो माउंट में ही दोस्तों अपडेट हो जाता है अगर स्पीड आपके यहाँ पर अच्छी है। लेकिन मैं अभी आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी पुराने वाले वर्जन पर ही बहुत ही ठीक चल रहा है। और मैं भी दोस्तों कंटिन्यू एंट्री लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर जनरेट पर जाऊँगा मैं, यहाँ पर कंटिन्यू पर कर देता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे VLE हैं जिनकी दोस्तों ट्रांजेक्शन कल भी नहीं लगी होंगी और आज भी नहीं लगी होंगी, लेकिन हमारे पास कल की ट्रांजेक्शन भी आप देख सकते हैं, कल भी हमने लगाई है और आज भी जितने कस्टमर हमारे पास आए हैं उनको हमने वापसी नहीं भेजा है। तो आप इतना काम करके अपने सॉफ्टवेयर में काम कीजिए और दोस्तों गारंटी के साथ आपका काम हो जाएगा। और अगर सपोर्ट चाहिए दोस्तों मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों मैं शेयर करता रहता हूँ वीडियो अपनी, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं दोस्तों प्रतिदिन आपको CSC से और UCL से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और जब UDI की तरफ से दोस्तों 1.8.8.1 पर दोस्तों काम करने के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा और जैसी नोटिफिकेशन आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों अवगत करा दूंगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भाई दोस्तों UCL का वर्क करना चाहते हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो दोस्तों UCL के लिए अप्लाई कर दें।